नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल बेसार इलेक्ट्रॉनिक्स में स्वागत है। आज हमारे पास एक 24 इंचेस का LED आया है और इसमें जो बोर्ड लगा है इसका नंबर देख सकते हैं आप, CV56BH-032। ये इसका मदरबोर्ड है, ठीक है। और इसमें क्या है ना, इसका जो MOSFET था यहाँ पे लगा हुआ आप देख सकते हैं, ये बर्न हो चुका है, तो इसके जगह में हम आज ये मॉड्यूल लगा के इसको रेडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे जानते हैं एक प्रीसेट लगा होता है, ठीक है। इस प्रीसेट को हमने निकाल दिया और ये देखिए ऑप्टो कपलर का इस साइड का जो दो पिन था इसको भी हमने बाहर निकाल लिया है, ठीक है। अब हम ये जो दो वायर है इसको हम निकाल करके इस पॉइंट पे सोल्डिंग कर देंगे, ठीक है। ये निकल गया, उसके बाद अभी इसको हम सोल्डिंग कर देंगे दोनों पॉइंट में। एक वायर लग गया, अभी उसका दूसरा वायर को भी हम लगा देंगे। ठीक है, देखिए दोनों वायर को हमने अच्छे से सोल्डिंग कर दिया है कुछ इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद मैं बता देता हूँ आपको, ये जो रेड वाला है ये मॉस्फेट का जो ड्रेन पॉइंट था उसमें लगेगा, ये ब्लैक वाला आपका जो मेन फिल्टर के नेगेटिव पे, और ये जो है हमारा आउटपुट साइड का जो ऑक्टो कपलर का जो पिन नंबर 1 और 2 है इसमें कनेक्ट होगा, ठीक है। इस ऑक्टो कपलर को हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो पहले हम इस ऑक्टो कपलर को निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए हमारा जो ऑक्टो कपलर है वो निकल चुका है, ठीक है निकल गया। अभी इसका हम कनेक्शन करेंगे। ये देखिए रेड वाला जो वायर है ये इसका जो यहाँ पर लगा है इसका पॉजिटिव जो ड्रेन है इसमें कनेक्ट होगा ये, देखिए ये ड्रेन पे लग गया। उसके बाद इसको हम इसका नेगेटिव पे लगा देंगे फिल्टर के, लग गया, ठीक है। उसके बाद ये जो दो पॉइंट है देखिए कुछ इस तरह से जो सीधा है पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 जैसे जैसे लगा था उसी हिसाब से ये लग जाएगा यहाँ पर ही, ठीक है। ये येलो वाला हमारा
पिन नंबर वन है, ये लग गया। उसके बाद हमारी जो दूसरा वाला पिन नंबर दो, देखिए आपको पूरा सीधा सीधा ऐसे लगाना है, देख सकते हैं ना, तो सीधा सीधा ही लगाना है। ठीक है, ये लग गया। आपको अच्छे से नजदीक से और दिखा देता हूँ, देखिए ये कैसा लगा है। ठीक है, रेड वाला वायर ड्रेन पे, ब्लैक वाला फिल्टर के नेगेटिव पे, और ये यहाँ से दो वायर जो निकला है ऑक्टोकपलर से, देखिए उसका पिन नंबर एक और दो इस साइड में, पिन नंबर एक और दो पे लग गया। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम पावर देखें, हमारा जो आउटपुट है वो प्रॉपर 12 वोल्ट आ रहा है कि नहीं वो चेक कर लेंगे। अभी हमने फ्रेंड इसको पावर दे दिया है और इसकी जो आउटपुट देखिए 12 वोल्ट वो प्रॉपर आ रही है, और ये बैकलाइट्स के लिए जो आउटपुट होती है, बैकलाइट के लिए भी जो प्रॉपर आउटपुट आ रही है। ठीक है, तो चलिए अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, स्टैंड बाय का जो इंडिकेटर है टीवी का वो भी आ चुका है। देखिए इसका जो पावर इंडिकेटर है वो भी आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारा जो टीवी है वो भी चालू हो जाएगा, मैं आपको टीवी को चालू करके भी दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो बैकलाइट थी यहाँ पे बैकलाइट जल चुकी है, हमारा टीवी भी ऑन हो चुका है। देखिए मैं रिमोट से प्रेस करके भी, देखिए चालू हो चुका है। और चलिए अभी इसका स्क्रीन हम देख लेते हैं, मैं स्क्रीन आपको दिखा देता हूँ इसको। देखिए फ्रेंड्स, हमारा टीवी प्रॉपरली ऑन हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास में आने वाले बेल को आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।